ये बुक सबसे पहले 1969 में पब्लिश हुई थी। बिल गेट्स ने कहा था कि जितनी भी बुक्स उन्होंने आज तक पढ़ी है उनमें बिजनेस एडवेंचर्स अब तक की बेस्ट बुक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस एडवेंचर्स। परिचय। क्या आप जानते हैं जेरोक्स कंपनी कैसे शुरू हुई थी, कैसे स्टॉक में प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या चीज है, 1950 के टाइम में फोर्ड मोटर्स फ्लॉप हो गई थी, ये बात क्या आपको मालूम है, क्या आपको जनरल इलेक्ट्रिक के स्कैम के बारे में पता है। अगर आप ये सब नहीं जानते थे तो इस बुक से जान जाएंगे। इसके ऑथर जॉन ब्रुक्स काफी लंबे टाइम से एक न्यूयॉर्कर कंट्रीब्यूटर रहे हैं जिन्होंने बिजनेस और फाइनेंस में कई सारी बुक्स लिखी है। जेरोक्स इतनी सक्सेसफुल हुई कि कॉपी करने का दूसरा नाम ही जेरोक्स बन गया था। जेरोक्स ने 19वीं सेंचुरी के बिजनेस ट्रेंड को पूरी तरह अप्लाई किया था। एक फैमिली ने इस कंपनी को शुरू किया था। ये एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट था। स्टार्टिंग में काफी मुश्किलें फेस की। कंपनी का नाम क्लासिकल ग्रीक टाइप रखा गया और फिर कंपनी ने मार्केट में धूम मचा दी। लेकिन जो चीज जेरोक्स को औरों से हटकर बनाती है वो है उसकी कमिटमेंट, उसकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1880 में अगर किसी लॉयर या बिजनेसमैन को किसी डॉक्यूमेंट की कॉपीज चाहिए होती थी तो उसका क्लर्क हाथ से लिखकर कई सारी कॉपीज तैयार करता था। फिर 1950 में टाइपराइटर्स और कार्बन पेपर आया। ऑफिस एम्प्लॉइज कार्बन पेपर रख के कॉपी कर लेते थे या टाइपराइटर से कॉपीज तैयार कर लेते थे। वैसे 1950 में तीन कॉपी मशीन मार्केट में रिलीज हुई थी, थर्मोफैक्स, ऑटोस्टेट और कोडेक सबवेरीफैक्स। लेकिन इन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। जैसे कोडेक सबवेरीफैक्स डंप कॉपीज निकालता था जिसे यूज करने से पहले ड्राई करना पड़ता था, और इसमें एक स्पेशल पेपर ही यूज होता था जो कंपनी ही सप्लाई करती थी। फिर जेरोक्स कॉर्पोरेशन ने कॉपी मशीन की दुनिया में एक ब्रेक थ्रू किया अपने टाइम की सबसे बढ़िया और रिलायबल कॉपी मशीन बनाकर। ये मशीन जीरोग्राफी के प्रोसेस से परमानेंट गुड क्वालिटी की ड्राई कॉपीज प्रोड्यूस करती थी और वो भी ऑर्डिनरी पेपर यूज करके 0.1966 में जेरोक्स कॉर्पोरेशन की सेल्स $500 मिलियन तक पहुँच गई थी। जेरोक्स कॉर्प का नाम पहले हेलोइट कंपनी थी। इसे रोचेस्टर न्यूयॉर्क में 1906 में कंपनी की शुरुआत हुई थी। 1906 में हेलोइट सिर्फ फोटोग्राफिक पेपर बनाती थी। रोचेस्टर की बाकी दूसरी कंपनीज की तरह हेलोइट भी ईस्टमैन कोडेक की बदौलत चल रही थी, लेकिन हेलोइट कंपनी डिप्रेशन का टाइम सर्वाइव कर चुकी थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद कॉम्पिटिशन काफी बढ़ गया था और लेबर कॉस्ट भी। हेलोइड अब कुछ नए प्रोडक्ट बनाना चाहता था। क्वींस का रहने वाला 32 साल का इन्वेंटर चेस्टर कार्लसन किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के पेटेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। चेस्टर अपने खाली टाइम में एक ऑफिस कॉपी मशीन बनाने की कोशिश कर रहा था। 1938 में जाकर वो सक्सेसफुल हुआ। इस मशीन को यूज करने पर काफी स्मोक और बदबू आती थी, लेकिन ये एक पेपर से दूसरे पर टेक्स्ट कॉपी कर लेता था। चेस्टर इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोग्राफी बोलता था, जिसमें लाइट, हीट और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यूज होता था। चेस्टर अपने इस इन्वेंशन को पूरे 5 साल तक लेके घूमा। जितनी भी ऑफिस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी वो सबके पास गया। फाइनली 1944 में वो बटेल मेमोरियल इंस्टीट्यूट, बैटल मेमोरियल इंस्टीट्यूट को कन्विंस करने में कामयाब हो गया। चेस्टर अपने इन्वेंशन के बदले रॉयल्टीज लेकर एक पॉसिबल सेल या लाइसेंस देने के लिए रेडी हो गया था। जोसेफ विल्सन, हेलोइड कंपनी के प्रेसिडेंट, ने इस कॉपी मशीन की पोटेंशियल देखी। हेलोइड ने चेस्टर कार्लसन के काम का फुल पेटेंट राइट ले लिया। कंपनी ने मशीन के डेवलप प्रोजेक्ट का भी कवर ले लिया था। इस कॉपी मशीन को डेवलप करने में हेलोइड को 10 साल से ज्यादा लगे और इस पर कंपनी ने $75 मिलियन खर्च किए। फंडिंग के लिए विल्सन और बाकी कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने कॉम्पेंसेशन के तौर पर स्टॉक लगा दिए थे। कुछ ने अपनी पर्सनल सेविंग्स लगाई और कुछ ने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। 1958 में हेलोइड कंपनी ने अपना नाम चेंज करके इन 1958 हेलोइड जेरोक्स रखा। ये नाम एक तरह से ईस्टमैन सर कोडेक की नकल जैसी थी, लेकिन जेरोक्स ट्रेडमार्क भी सेम वे में काफी पॉपुलर हुआ।
कॉपी मशीन की रिलीज से पहले कंपनी में काफी टेंशन और नर्वसनेस थी, लेकिन 1960 में आखिर जेरॉक्स चल पड़ी। जेरॉक्स कॉपी मशीन काफी बड़ी सक्सेस स्टोरी बनी, कंपनी के स्टॉक प्राइस आसमान छू रहे थे और जो भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करता मालामाल हो जाता था। 1961 में हेलोइड जेरॉक्स जेरॉक्स कॉर्पोरेशन बन गया। कंपनी को वर्ड जेरॉक्स के राइट्स लेने पड़े क्योंकि अब ये वर्ड कॉमन लैंग्वेज में काफी यूज होने लगा था। इसका इन्वेंटर चेस्टर कार्लसन फॉर्च्यून लिस्ट ऑफ रिचेस्ट पीपल में 66वें नंबर पर आ गया था। कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स ने कंपनी में अपना जो कुछ लगाया था वो उन्हें हजार गुना वापस मिल गया था। जेरॉक्स की सक्सेस में सबसे बड़ा रोल था उनके पर्पज का, जिसे एग्जीक्यूटिव्स जेरॉक्स स्पिरिट बोलते थे, क्योंकि कंपनी अपने कस्टमर्स एम्प्लॉइज और स्टॉक होल्डर्स के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी। लेकिन उससे भी बकर जेरॉक्स के अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग थी। 1965 से लेकर 1966 तक जेरॉक्स ने डिफरेंट चैरिटीज और यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट $4 मिलियन डोनेट किए थे। जोसेफ विल्सन एक बड़े हम्बल और सॉफ्ट स्पोकन इंसान है जो कंपनी चलाने के साथ साथ कम्युनिटी सर्विस में भी यकीन रखते हैं। कभी कभी स्टॉक होल्डर्स कंप्लेंट करते थे कि कंपनी उनका पैसा चैरिटीज में दे रही है। यही नहीं, जेरॉक्स को अक्सर क्रिटिसाइज भी किया जाता था क्योंकि ये सोशल इश्यूज पर स्टैंड लेती रही है। लेकिन जोसेफ विल्सन कहते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, नीग्रो एम्प्लॉयमेंट और सिविल राइट्स जैसे इश्यूज हमारे अपने इश्यूज हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे ही हमेशा हिम्मत दिखाते रहेंगे उन इश्यूज पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए जो हमें ठीक लगते हैं, फिर चाहे लोग क्रिटिसाइज क्यों ना करें। अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम। Insiders 8 Texas Gulf Sulphur. Texas Gulf Sulphur Scam, The Texas Gulf Sulphur Scam, Insider Trading का एक क्लासिक केस है। एक बड़ी मिनरल डिपॉजिट की डिस्कवरी होने के कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने टेक्सास के गल्फ के स्टॉक खरीदने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करने को बोला। SEC के इस पर केस फाइल करने के बाद ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वानी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।